हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर कैंडमिस इंटरव्यू सीरीज़। फ्रेंड्स, दिसंबर 2020 और जून 2021 में जो रिजल्ट आए थे उस श्रृंखला को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 12 JRF हुए थे इस बार। तो नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे साथ है धर्मवीर शर्मा। तो धर्मवीर, कॉन्ग्रेचुलेशन JRF क्वालिफाई करने के लिए। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कहाँ से हैं, और इस बार स्कोर कितना रहा था आपका? सर, मैं बेसिकली सहारनपुर UP से हूँ, तो वहाँ मेरा गाँव है पाइला। क्वालिफिकेशन सर मैंने BSc की थी PCM से, और उसके बाद मैंने MA किया योगा से। तो फिर वहाँ पे मेरे सर थे जो रितेश गुप्ता, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब आगे NET की तैयारी करने के लिए, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा था कनाद अकेडमी कि आप वहाँ जाओ, उनके तरीके से पढ़ो तो आपका हो जाएगा जी। तो ये आपको कौन सा अटैम्प्ट था सर, क्या स्कोर रहा था? फर्स्ट अटैम्प्ट था सर ये मेरा जी। और मेरे फर्स्ट पेपर में 29 क्वेश्चन सही थे और सेकंड पेपर मेरे 74 क्वेश्चन सही थे जी। बहुत बढ़िया, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए अगेन कांग्रेचुलेशंस सर आपको। तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि सर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में? अपनी तो मैंने कोई स्ट्रेटजी अलग से लगाई नहीं, मैं यहाँ आया तो सिलेबस भी मैंने पहली बार यहीं देखा था कि सर ने बताया जब यहाँ क्लास में, तो उसके बाद सर ने ही बताया कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है आगे, तो बस मैं उसी को फॉलो करता रहा। अपनी तरफ से मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। कभी आपको अपने मन में डाउट नहीं आया कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, नेट क्वालिफाई हो पाएगा या JRF क्वालिफाई हो पाएगा? सर जी, मैं वैसे तो बेसिकली यहाँ नेट के लिए ही आया था जी, मतलब इतना बड़ा था नहीं मेरा कि मैं JRF कर लूँगा, पहला अटेम्प्ट था तो इसलिए लग भी नहीं रहा था मुझे जी। तो इसलिए मैंने जब मैं आया, लेकिन हरीश गुरु जी और अभिदेव सर सभी को लगता था टीचर्स को मतलब मेरा हो जाएगा इस बार ही, तो बस फिर उसी हिसाब से तैयारी करता रहा। लेकिन सर मेरा कोई ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे था कि मैं JRF कर लूँगा इस बार ही जी। तो आपके हिसाब से JRF क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है? सर अगर मतलब आपका टाइम सही है तो आप पहले अटैम्प्ट में भी कर सकते हैं। अगर टाइम सही है मतलब थोड़ा सा देखो किस्मत भी चलती है सर, ऐसा नहीं है जी। मेहनत तो भरोसा नहीं है आपको? नहीं, मेहनत तो देखो सर करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता है ना कि सर मेहनत तो सभी करते हैं, देखो कोई ये तो चाहता नहीं कि हमारा ना हो, तो मेहनत तो सब करते हैं, जो पॉइंटों से रह जाते हैं सर मेहनत तो भी करते हैं जी। तो उस जगह के आपके हिसाब से किस्मत का क्या रोल रहा है इस बार आपकी? सर मतलब थोड़ा बहुत तो रोल रहा ही है देखो जी। आपने पढ़ाई वैसे मेहनत से करी थी कितने घंटे, और आपने क्या कैसे कितना कैसे कैसे देते थे टाइम सर सेकंड पेपर को? फर्स्ट पेपर जैसे मैं मतलब गणित से मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैथ DI रीजनिंग वगैरह में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, फर्स्ट पेपर भी आपको ज़्यादा मेहनत? तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, रिसर्च टीचिंग में थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ा तो वैसे ठीक रहा मेरा। सेकंड पेपर तो मैंने आके पढ़ाई की, बिल्कुल नोट्स बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसे मिले तैयार, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा सर, तो उसी से मेरा हो गया। तो बस पढ़ने की बात ऐसी है सर कि मतलब मैं पेपर से 2-3 महीने पहले मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत की, उस टाइम मैं 10-10 घंटे भी पढ़ा और रिवीजन जितनी बार मेरे से हुआ मैं करता रहा। पहले मुझे लगता था कि रिवीजन नहीं होगा मेरे से इतनी बार, लेकिन सर तो बोलते थे कि क्लास में कि रिवीजन करो 4-5 बार करो, 4-5 बार, लेकिन उस टाइम लगता था कि कैसे करेंगे 4-5 बार, लेकिन जब करना स्टार्ट किया तो फिर होने लगा सर जी। रिवीजन और टेस्ट सीरीज का तो अपना अलग महत्व जी जी। और टेस्ट सीरीज भी करते थे क्वेश्चंस या सब पढ़ते ही रहते थे? नहीं नहीं सर, मैं पढ़ता था, टेस्ट सीरीज भी देता था, तो अपने आप को पता लगता था मैं कितना इम्प्रूव करना है। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया जी सर, कैसा अनुभव रहा और ये जर्नी आपकी कैसी रही ये दौरान आपने मतलब कैसे इस समय जो है आपका कैसा रहा? सर बहुत अच्छा समय रहा मेरा, अब तक का तो बहुत ही अच्छा समय लगा मुझे मेरा, क्योंकि मैं अभी तक बाहर भी नहीं आया था कभी। अपनी पढ़ाई भी मैंने गाँव से की थी और बस जब MA की थोड़ा टाइम तब बाहर रहा और फिर यहाँ आया मैं, तो तब से वहाँ भी मैं अप डाउन नहीं करता था, डेली मैं MA कर रहा था जी। तो यहाँ आके रहा बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ अकेडमी का माहौल भी बहुत अच्छा था जी। टीचर्स और बच्चे यहाँ के जो मित्र थे मेरे सब बहुत बढ़िया। भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, आगे करने का क्या प्लान है? सर PhD में एडमिशन के लिए कहीं किया? नहीं सर अभी नहीं किया, लेकिन अब PhD ही करनी है या फिर कुछ और इंस्ट्रक्शन जैसे योगा के बहुत सारे फील्ड हैं? नहीं सर मेरा अलावा नहीं, मतलब सोच रहा हूँ कि मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जी आगे जाना सोच रहा हूँ जी। तो कुल मिला के आपका अनुभव कैसा रहा और भविष्य में जो हमारे अभ्यर्थी रहेंगे उनको अगर आप कुछ संदेश देना चाहें तो? सर संदेश तो यही है कि मतलब मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी जी, तो अगर आपको ज़्यादा मार्गदर्शन अच्छा चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं कनाद अकेडमी, तो आपको यहाँ पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और जिससे आप जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कनाद अकेडमी के लिए कोई सुझाव देना चाहें? सर सुझाव तो कुछ नहीं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे अभी
हाल फिलहाल में जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ उस टाइम पे कनाडा एकेडमी की तरफ से बुक लॉन्च हुई थी सेकंड पेपर की जी, तो उसी तरह से अगर फर्स्ट पेपर की भी लॉन्च हो जाए तो मतलब बच्चों को बहुत अच्छा जी फर्स्ट पेपर की बुक के लिए जी पेपर जी। कोई और सुझाव आप देना सर हो तो जी। पाठ्यक्रम में मतलब जो हमारे यहाँ के नोट्स वगैरह या जो टीचिंग स्टाइल में है उसमें आप अगर आपको कैसा लगा उसमें कोई आप सर पाठ्यक्रम बिल्कुल जैसा मतलब पेपर मैंने देखा मैंने पहले पेपर तो पहले भी नहीं देखा था फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा तो जैसे मैंने पेपर देखा जाके तो बिल्कुल जो मुझे पढ़ाया गया था मुझे बिल्कुल ऐसे चीज वहाँ पे मिला तो मुझे कोई अलग से कोई आपने बुक्स वगैरह नहीं सर मैंने बुक भी नहीं पढ़ी कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है जो अगर मूल ग्रंथ पढ़े तो मैंने सिर्फ जो मेरे फ़ोन में कनाडा अकेडमी की ऐप थी उससे पढ़ता था जब भी टाइम जहाँ भी मिल गया मैं फ़ोन खोल के बैठ गया उसी टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दिया ऐसा नहीं था कि वहाँ मुझे अलग से ही मैं बैठता था कि पढ़ने के लिए अब बैठूँ जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं फ़ोन खोलता था इसका सबसे अच्छा लाभ यही है फ़ोन का कि हम कहीं भी बैठे हैं अपना नोट्स खोलो पढ़ लो जी। कोविड के दौरान कई बार ऐसी मतलब मोरल बहुत सारे छात्रों का डाउन हो गया कि अभी पेपर होगा या कई बार डिलेज हो रही थी तो उससे कुछ आपकी मानसिक हाँ सर थोड़ा प्रभाव पड़ा ये था कि मैं तैयारी कर रहा था जब पहली डेट आई जब पहली बार डेट आई तो उस हिसाब से तैयारी कर रहा था फिर आगे क्या हुआ डेट पोस्टपोन हो गया पेपर तो फिर मन गया यार अब इतनी तैयारी की थी फिर दोबारा से रिविजन इतना ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि पेपर के टाइम पे तो हम थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं अपना तो इसलिए दो तीन बार चेंज हुई तो ऐसे से थोड़ा मतलब मनोबल डाउन हुआ कैसे बढ़ा के रखा मनोबल की नहीं तो सर बात करता था रिसर से तो मनोबल वो बढ़ाते थे कि नहीं पेपर तो जब भी आएगा आपको तैयारी पूरी रखनी है अपनी तो इसलिए सर करता रहा फिर जी। तो कोई और अंतिम वाक्य जो संदेश आप अगर देना चाहें अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए तो बस संदेश यही है कि मतलब आप अगर आप जल्दी अपना पाना चाहते हैं आपको जल्दी नेट जेरफ करना है तो आप यहाँ संपर्क करें कनाडा अकेडमी आपका बहुत जल्दी होगा। धन्यवाद भविष्य में जितनी भी आपकी योजना पूरी हो जी धन्यवाद।